एक यूट्यूबर से कैसे बने राजनेता, यूट्यूबर से लेकर राजनेता के सफर का पूरा सच, जेल कैसे गए मनीष कश्यप, क्या था पूरा राज, यूट्यूबर से लेकर राजनेता कैसे बने मनीष कश्यप, पूरी हकीकत, मनीष कश्यप को कौन कौन सी ठोकरें खाना पड़ा। आज मनीष कश्यप की एक आवाज पर बिहार की जनता क्यों एकजुट है, मनीष कश्यप के लिए आज बिहार की जनता क्यों मरने के लिए तैयार, क्या बिहार की जनता मनीष कश्यप के त्याग को जान गई, क्या बिहार की जनता को यह मालूम हो गया कि बिहार का कल्याण मनीष कश्यप ही करेंगे। इन तस्वीरों में जरा गौर से देखिएगा। मौका था मनोज तिवारी के नामांकन का मंच, मंच पर मौजूद थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो स्वयं मनोज तिवारी का नामांकन करवाने आए थे, और इसी मंच को साझा कर रहे थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कोई परिचय के मोहताज नहीं, मनीष कश्यप ने जो बिहार में धमाल मचाया उससे आप सभी परिचित ही हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात की मनीष कश्यप ने, दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात यह दिखाती है कि आने वाले समय में मनीष कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आने वाले समय में यदि मनीष कश्यप बीजेपी का चेहरा बनते हैं तो बीजेपी का बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई फायर ब्रांड चेहरा नहीं। ये भी हो सकता है आने वाले समय में मोदी मनीष कश्यप पर बड़ा दांव खेल सकते हैं। वैसे भी आप मोदी को तो जानते ही हैं, मोदी जी सदैव चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, तो कुछ कह पाना मुमकिन नहीं। मनीष कश्यप बिहार की जमीनी हकीकत से रूबरू हैं। मनीष कश्यप बिहार की जनता के दिलों में बसे तो हैं ही, मनीष कश्यप बिहार की सभी समस्याओं को भी ठीक से जानते हैं। कैसे समस्याओं को दूर किया जा सकता है यह मनीष कश्यप से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। फिर मैं वही कह रहा हूँ, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। ये वही यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जो राजनेता तक का सफर तय कर दिया। आज मोदी, योगी और बिहार की जनता मनीष कश्यप की क्यों दीवानी है, क्या है कारण, क्यों दिल्ली से दौड़े चले गए मनीष कश्यप के पास मनोज तिवारी। ये चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। एक लाइक और सब्सक्राइब आपका हमें हौसला अफजाई करता है।